नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। दिन दहाड़े देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ मनु तेवतिया। पहले चरण की तरह मध्य प्रदेश में दूसरे चरण में भी मतदान प्रतिशत घटा है। कम मतदान प्रतिशत को लेकर राजनीतिक दल अपने अपने पक्ष में माहौल के दावे कर रहे हैं। बीजेपी अपनी लहर बताकर बंपर जीत का दावा कर रही है, तो कांग्रेस कम मतदान को लेकर बीजेपी की अंतर्कलह है और INDIA गठबंधन का प्रभाव बता रही है। मतदान का प्रतिशत कम होना भाजपा का अंतर्कलह साबित करता है। जो परसेंटेज हुआ उसमें भाजपा का 20% से ज्यादा अंदाज लग रहा है। तो दूसरे चरण में मध्य प्रदेश में 6 सीटों पर वोटिंग हुई, जिसमें 2019 के मुकाबले 9% गिरावट दर्ज की गई है। होशंगाबाद लोकसभा में सबसे ज्यादा तो रीवा में सबसे कम मतदान हुआ है। कम मतदान प्रतिशत को लेकर कांग्रेस का दावा यह है कि यह सत्ता विरोधी लहर का नतीजा है। मतदान प्रतिशत के कम होने से साफ है कि मोदी जी का जादू कम हो रहा है, लोग बदलाव चाहते हैं, इसीलिए सिर्फ कांग्रेस के पक्ष में मतदान हुआ है। वहीं बीजेपी का दावा यह है कि मौसम, शादियां और खेती के चलते कम लोग मतदान में शामिल हुए हैं और जिन लोगों ने मतदान किया है वो सब बीजेपी के पक्ष में हुआ है और जब नतीजे आएंगे उसमें 20% का अंतर होगा। ये तो पार्टियों के दावे हैं, लेकिन मतदाता क्या चाहता है, उसके मन में क्या है, इसका खुलासा 4 जून को होगा। मतदान का प्रतिशत कम होना भाजपा का अंतर्कलह साबित करता है। जहां से भाजपा अभी लोक विधानसभा के चुनाव में जितनी मतों से जीती है उतनी तो मत ही नहीं पड़े हैं इस बार उतनी परसेंटेज में, फिर प्रचंड जीत का तो सवाल ही नहीं उठता है। ये केवल अपनी मनगढ़ंत कहानियां बना रहे हैं। कई प्रकार के फसल कटाई का मौसम भी चल रहा है, लेकिन उसके बावजूद भी निर्वाचन हुआ। हम उम्मीद करेंगे और आगे होना चाहिए, बढ़ना चाहिए। पिछली तुलना में जो हम 6 सीट पे लाए थे उसकी तुलना में हम काफ़ी अच्छे हैं। बाकी राज्यों की तुलना में तो संतोषजनक है, बाकी राज्यों की तुलना में मध्यप्रदेश में बहुत अच्छा हुआ। उम्मीद करेंगे 100% हो, क्या बुरा है। नहीं नहीं, बहुत अच्छा हुआ है और इससे ज़्यादा अच्छा ये हुआ कि जो परसेंटेज हुआ उसमें भाजपा का 20% से ज़्यादा अंदाज लग रहा है कि कांग्रेस को। तो मध्य प्रदेश के मतदाता के मन में क्या है, आज इसी पर करेंगे चर्चा। मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं, उनका परिचय आपसे करा देते हैं। भारतीय जनता पार्टी का पक्ष रखने के लिए घनश्याम पिरोनिया जी हमारे साथ हैं, पूर्व विधायक, और कांग्रेस पार्टी का पक्ष रखने के लिए विवेक त्रिपाठी जी हमारे साथ हैं। सत्यप्रकाश शर्मा जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। घनश्याम पिरोनिया जी, मतदान प्रतिशत 9% कम हुआ है 2019 के मुकाबले, लेकिन फिर भी लगता है आपको कि आपका वोटर बाहर निकला है, क्यों, इसकी क्या वजह है? देखिए, हम लोग और हमारी पार्टी और हमारे नेता जो घोषणाएं, जो संकल्प हम लोगों ने जनमानस के लिए लिए थे, वो जो काम हम लोगों ने उनको करके दिखाए, और इस हेतु हम सब लोग आश्वस्त हैं कि कहीं ना कहीं मोदी जी के प्रति जो लोगों का सोच है, नजरिया है, मोदी जी के ऊपर जो विश्वास है और मोदी जी ने जो गारंटी ली है उसको जो पूरा करने का काम उनके माध्यम से हुआ है, इसलिए मुझे लगता है, पार्टी को लगता है कि कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी की जो सीटें हैं 6 जगह जो कल हुए हैं, हाँ, उसमें बहुत अच्छे संसद लोग जीतने वाले हैं। और आप अंदाज लगाइए ना, पिछली बार भी हमारे प्रत्याशी लाखों वोटों से जीते थे और कांग्रेस किस बात पर दम भर रही है, किस बात पर अपनी पीठ थपथपाने का काम कर रही है। अरे भाई, कांग्रेस के पास तो बूथ पर काम करने वाले ही कार्यकर्ता नहीं बचे हैं, इनके यहाँ तो भगदड़े मची हुई हैं। अब भगदड़ मची हुई है, झंडा उठाने वाला कोई नहीं है और दम्भ भर रहे हैं कि साहब हम लोग जीतने वाले, कैसे जीतोगे आप भाई। लेकिन घनश्याम, तो महिलाएं महिलाएं आपकी वोटर मानी जाती हैं, लेकिन 19 के मुकाबले 11% कम महिलाएं निकली हैं सभी लोकसभा सीटों पर, माफ कीजिएगा, इसकी क्या वजह? देखिए, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि मातृशक्ति का, हमारी महिलाओं का जिस प्रकार का सम्मान भारतीय जनता पार्टी ने किया है, भारतीय जनता पार्टी ने इन वर्गों के कल्याण के लिए योजनाएं बनाई हैं, चाहे लाडली बहना हो, चाहे लखपति दीदी वाला मामला हो, देखिए जो जनता जनार्दन है सब समझती है,
और कहीं ना कहीं जितनी भी मातृशक्ति हमारी आई है, हो सकता है भारतीय जनता पार्टी के ही पक्ष में मतदान करने के लिए आई हो, कांग्रेस को उन्होंने नहीं वोट दिया हो, और इसलिए ये कहना साहब अच्छा, जो महिलाएं कम हुई है वो मतलब कांग्रेस के पक्ष की महिलाएं घर से बाहर नहीं निकली, आप ही कह रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के फेवर में ही जाएंगे, आप निश्चिंत रहे। विवेक त्रिपाठी जी, अब आपका आकलन क्या कह रहा है कांग्रेस पार्टी का, क्योंकि घनश्याम जी तो कह रहे हैं कि जो महिलाओं ने वोट किया है वो भी बीजेपी की है, जो नहीं निकली वो आपके पक्ष की है, और आप कह रहे हैं कि आपका वोटर ही सिर्फ बाहर निकला है। देखिए, जिस तरीके से नरेंद्र मोदी जी और भाजपा के वरिष्ठ नेता दावा कर रहे थे कि हर पोलिंग बूथ पे 370 वोटों को बढ़ाया जाएगा, प्रत्येक विधानसभा में 10% वोटों को बढ़ाया जाएगा, उनने आह्वान किया था बड़े बड़े होर्डिंग और विज्ञापनों के माध्यम से, जनता ने उनके आह्वान को नकार दिया। कल 6 सीटों पे जब मतदान हो रहे थे तो 6 सीटों पे वर्तमान में भाजपा के सांसद थे जो पिछले चुनाव में जनता के बीच में आए थे और सीधे चुनाव में जनता के बीच में आए, जो उनकी दूरी बढ़ती गई जनता के साथ में, तो जनता का कहीं ना कहीं मोह भंग हुआ है। महिलाओं ने देखा, विधानसभा चुनाव से पहले लाडली बहना में इन्होंने घोषणा की थी 3,000 रुपए देने की, तो वो आज 3,000 रुपए नहीं मिले। किसानों ने देखा, अगर मौजूदा सरकार से मोहभंग हुआ है तो मुझे लगता है वोटिंग परसेंटेज बढ़ना चाहिए था कि बदलाव चाहती है जनता, लेकिन वो आंकड़ों में दिखता नहीं है। देखिए, मैं वही आपको बताना चाहता हूँ, जिस तरीके से देश भर में लोकतंत्र की हत्या भाजपा कर रही है, चुने हुए भाजपा के कई विधायकों को भाजपा खरीद लेती है, महाराष्ट्र में जैसे अजीत पवार जब विपक्ष में थे तो उनपे करोड़ रुपए का घोटाले का आरोप लगा के ईओडब्ल्यू ने मुकदमा दर्ज किया, आज अजीत पवार को डरा के धमका के भाजपा में शामिल कर लिया, ईओडब्ल्यू ने केस खत्म कर दिया। तो कहीं ना कहीं देश भर में जनता इस पूरे मामले को देख रही है, चंडीगढ़ में सत्ता के लालच में महापौर के चुनाव में जो जी, मेरा काउंटर सवाल तो यही है ना कि अगर आपका जो मैसेज है भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ वो जनता समझ रही है, तो फिर इस मतदान प्रतिशत में बढ़ोतरी होनी चाहिए थी, ये 2019 के मुकाबले 9% कम कैसे हो गया, और एक सीट का नहीं, हर एक सीट का यही हाल है, रीवा में तो लगभग 18% कम हो गया है। मैं वही आपको बताना चाहता हूँ, मोदी जी के आह्वान को जनता ने नकार दिया है, तो परिणाम आज से स्पष्ट होना शुरू हो गए हैं। जब मोदी जी ने आह्वान किया, भाजपा की शीर्ष नेतृत्व ने आह्वान किया, अमित शाह जी 6-6, 7-7 बार आके मध्य प्रदेश में दौरा करके आह्वान कर रहे हैं कि वोटिंग परसेंटेज बढ़ाना हमारा लक्ष्य है, हर पोलिंग बूथ पे 370 वोट हमें बढ़ाना है, हर विधानसभा में 10% वोटों की वृद्धि करनी है, तो जनता ने नकार दिया ना। ये तो स्पष्ट रूप से दिख रहा है कि जो 4 तारीख को परिणाम आने वाले हैं वो भाजपा के खिलाफ आने वाले। कल जो 6 सीटों पर मतदान हुआ है वहां पे 1 सीट पे भाजपा के प्रत्याशी को विधानसभा चुनाव में करारी हार का सामना करना पड़ा, तो स्पष्ट लोकसभा चुनाव का जब परिणाम आएगा तो लोकसभा चुनाव में भी उनको हार का सामना करना पड़ेगा। इस पर काउंटर कीजिएगा, फिर मैं सत्यप्रकाश जी को लाती हूँ। घनश्याम जी, इस पर काउंटर कीजिएगा कि आपकी तरफ से नारा शुरू से बुलंद किया जा रहा है कि 370 वोट हर बूथ पर बढ़ाने हैं, लेकिन स्थिति तो कुछ और ही नजर आ रही है। खजुराहो में अगर 3 विधानसभा सीटों की बात कर लूं मैं, मुंडवारा, विजय राघवगढ़ और बोहरीबंद में 19, 21 और 27% कम वोटिंग हुई है। देखिए अभी हमारे सम्माननीय कांग्रेस के प्रवक्ता महोदय कह रहे थे कि वोटिंग परसेंटेज कम हुआ है, तो बड़े प्रसन्न हो रहे हैं। ये सबके लिए चिंता का विषय रहना चाहिए। वोट किसी भी को दे जनमानस, लेकिन वोट देने का अधिकार ये सबका है, ये हमें बड़े मुश्किल से मिलता है, और इसलिए सभी पार्टियों को ये चिंतित होना चाहिए, करना चाहिए प्रयास कि वोट बढ़ना चाहिए। अरे भाई, वोट कम पड़ा है तो बड़े प्रसन्न हो रहे हैं, वोट कम होना ये प्रसन्नता का विषय नहीं है, चिंता का विषय है। चिंता करना चाहिए, कांग्रेस को भी करना चाहिए, हम लोग भी कर रहे हैं, और इसलिए देखिए स्वस्थ लोकतंत्र की परंपरा को ध्यान में रखते हुए हमारे नेताओं ने ये कहा था कि हमने 370 धारा कश्मीर से हटाई है, और इसलिए प्रत्येक बूथ पर 370 वोट बढ़ाएं, जनमानस को जागरूक करें, उनको बाहर निकालें, और हम सब स्वस्थ लोकतंत्र की परंपरा के हेतु ये हमने अरे अच्छा मानेंगे, आप निश्चिंत रहो, सब मान रहे हैं। और ये जो काम हुआ है 370 धारा हटाने का, ये सुनिए, ये कांग्रेस की जो कर्म थे जनता उसको ठीक करने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया है। अरे आपके जमाने में एक राष्ट्र के अंदर, कश्मीर के अंदर एक देश में दो निशान, एक देश में दो प्रधान, एक देश में दो संविधान थे, और भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने सुनिए, जनता पार्टी की सरकार ने एक देश में एक निशान, एक देश में एक प्रधान, एक देश में एक संविधान की प्रणाली लागू की है, और 370 धारा समाप्त करके हमने हमारे कार्यकर्ताओं से ये निवेदन किया था,
निकलने के लिए हमारे नेताओं ने आह्वान किया था, कांग्रेस ने क्यों नहीं किया? वोट को बढ़ाने के लिए सभी पार्टियों का दायित्व बढ़ाना चाहिए था। और आप निश्चिंत रहो, आप जो कह रहे हैं घनश्याम जी, विवेक जी, मैं वापस आपके पास लौटूंगी, अभी रुकना होगा, अभी रुकना होगा। सत्य प्रकाश जी को भी शामिल कर लेते हैं, घनश्याम जी सत्य प्रकाश जी को भी शामिल कर लेते हैं, ठीक है, ठीक है, सत्य प्रकाश जी, हाँ ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, 4 जून को यही मिलेंगे, विवेक जी और घनश्याम जी और मैं भी, हम सब यही मिलेंगे। सत्यप्रकाश जी, आपका विश्लेषण क्या कह रहा है कि वोटिंग परसेंटेज आखिर घटा क्यों है और ये किसकी चिंता ज्यादा बढ़ा रहा है? अगर वोटिंग परसेंटेज कम हुआ है, अगर कांग्रेस ये कह रही है कि लोगों में उदासीनता थी, तो मुझे लगता है अगर एंटी इनकम्बेंसी है तो ज्यादा वोट पड़ना चाहिए था, लेकिन वो भी नहीं दिख रहा है, तो आखिर मध्य प्रदेश के मतदाता के मन में है क्या? देखिए मनु जी, 2009 का इलेक्शन देखते हैं, 2009 के बाद 2014 का इलेक्शन देखते हैं, 9 में 58% ओवरऑल बात कर रहा हूं जी, 14 में ये बढ़ता है 66% हो जाता है, आप देखते हैं सरकार बदल जाती है, जबरदस्त भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई। फिर इसके बाद दूसरा इलेक्शन 2019 का देखते हैं, 67 point something हो जाता है, 2-3% और बढ़ जाता है, भारतीय जनता पार्टी रिपीट होती है और कई लोग बड़े लंबे मार्जिन से 5 लाख से ऊपर भी वोट से जीतते हैं। ठीक, अगर मध्य प्रदेश का इलेक्शन देखते हैं कि 2018 और 2023 की बात करते हैं, 18 में वोटर टर्नआउट उतना नहीं था जितना 23 में था, 23 में वोटर टर्नआउट बढ़ा, भारतीय जनता पार्टी की जबरदस्त सरकार बनी। देखिए भारतीय जनता पार्टी का फोकस ट्राइबल वोट्स पर, महिलाओं पर, फर्स्ट टाइम वोटर्स पर जो रहता है, इसकी संभावना सबसे ज्यादा ये जानी जाती है कि वो वोट ज्यादा करता है कंपैरेटिवली अदर इलेक्टर्स के। तो ये कहा जा सकता है कि ये सबसे बड़ी चिंता अगर किसी की है तो भारतीय जनता पार्टी की है, ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये कहीं ना कहीं अमित शाह ने अपने 2 दिन के मध्य प्रदेश के दौरे के दौरान पार्टी की समीक्षा करते हुए ये चीज पार्टी वर्कर से या बड़े लीडर से कही है कि वोटर टर्नआउट बढ़ना चाहिए। ये तो रही ट्रेंड की बात, हाँ। लेकिन इलेक्टर्स का बिहेवियर कब किधर चेंज हो जाए या कौन सा फैक्टर अंडर करेंट है, इस चीज के बारे में कोई भी एक्सपेक्ट नहीं कर सकता, क्योंकि हमारे भी जो प्रेडिक्शंस थे, आप लोगों के भी प्रेडिक्शंस थे 2023 के मध्य प्रदेश के असेंबली इलेक्शंस में, आपने देखा वो सब कोलैप्स हो गए, यानी कि कुछ ना कुछ चीजें अंडर करेंट थी, लाडली बहना भी अंडर करेंट थी, यही कारण है कि लाडली बहना शायद ना होने के कारण भी मध्य प्रदेश में जो महिलाओं के वोट में डिक्लाइन आया है वो एक बड़ा कारण हो सकता है। लेकिन फिर लाडली बहना योजना तो चल रही है, ऐसा तो है नहीं उसको बंद कर दिया गया है, पैसे भी मिल रहे हैं उसको लेकर, लेकिन अब लोकसभा चुनाव में महिलाओं का वोट प्रतिशत 11% कम हो गया है मध्य प्रदेश में, तो इसकी क्या वजह है फिर? मनु जी देखिए, यही मैं कह रहा हूं, इसके कारण देखिए शादियां एक कारक नहीं होता है, क्योंकि शादियां तो इस सीजन में हमेशा से होती रही, कभी थोड़ा बहुत परसेंटेज बढ़ सकता है या इलेक्शन के दिन पड़ सकता है। शादियों दुल्हने पहुंची हैं अपना वोट कास्ट करने, दूल्हे पहुंचे हैं वोट कास्ट करने, लेकिन आप लोगों ने भी कई ऐसी तस्वीरें दिखाई, दुल्हन भी गई, मेहंदी लगी, बेटियां भी गई वोट डालने, दूल्हे भी गए, तो कहा यह जा सकता है कि कहीं ना कहीं महिलाओं को जगाने में भारतीय जनता पार्टी का दावा कि हर बूथ पर 370 वोट बढ़ाए, यदि 370 वोट प्रीवियस इलेक्शन की अपेक्षा बढ़ते तो निश्चित रूप से मान के चलिए कि वोटर टर्नआउट बढ़ता, लेकिन इससे कांग्रेस खुश हो ये आवश्यक नहीं है कि कांग्रेस के लिए बहुत अच्छे सिग्नल्स हो, क्योंकि कांग्रेस का कैंपेन भी मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की अपेक्षा बहुत सुस्त रहा है। भारतीय जनता पार्टी का भी कैंपेन उतना बेहतर नहीं है जितना कि 2019 या 2014 में था, क्योंकि यहां पर जिस दिन अमित शाह होते हैं, जिस दिन मोदी जी होते हैं, उस दिन तो आप देखते हैं कि मध्य प्रदेश में बीजेपी बड़ी एक्टिव दिखती है, लेकिन कैंडिडेट्स के पास पहुंचते हैं या किसी पर्टिकुलर लोकसभा सीट पर जाते हैं तो उतना नहीं दिख रहा है कैंपेन, तो ये पार्टीज का कैंपेन भी कम होना भी एक कारक हो सकता है। हालांकि इलेक्शन कमीशन की जो जिम्मेदारी है कि स्वीप के अंतर्गत कुछ कैंपेन चला जाए जिससे वोटर टर्नआउट बढ़े, लेकिन एक बात तय है
कि इलेक्टर के बिहेवियर के बारे में मैं कुछ भी नहीं कह सकता, कोई प्रिडिक्शन नहीं लगा सकता कि आप नरेंद्र मोदी की लहर या नरेंद्र मोदी की गारंटी कहीं, मतलब ये 4 जून को ही पता चलेगा। थोड़ा सा कंफ्यूज कर दिया है मध्य प्रदेश की जनता ने। ठीक है विवेक त्रिपाठी जी, जो सत्य प्रकाश जी भी कह रहे हैं कि आपके लिए भी कोई अच्छे संकेत नहीं है कि अगर कम वोटिंग हुई है, क्योंकि ये देखा है हमने कि आपके कैंपेन में भी उदासीनता है। विवेक त्रिपाठी जी देखिए, निश्चित ही जिस तरीके से मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव से पहले भाजपा ने लाडली बहनों को वादा किया था 3,000 रुपए देने का, आपने कहा पैसा मिल रहा है पर 3,000 रुपए नहीं मिल रहा है। दूसरा किसानों से जो वादा किया, विवेक जी मैं क्या आपसे सवाल पूछ रही हूँ, आप क्या जवाब दे रहे हैं? मैं फिर आपसे कह रहा हूँ कि वोटर परसेंटेज घटने के जो सबसे बड़े कारण है, 3 अगर बड़े वर्ग आपसे नाराज हो जाए, सरकार से नाराज हो जाए, वोट ही डाल देना, तो वो कम से कम आपको तो वोट करने निकले ना फिर। मतदान प्रतिशत तो घटना चाहिए ना। आज युवाओं की बात करें तो सतना और रीवा में, रीवा में सबसे कम। ठीक है मेरे पास अब बॉल पूरी तरह से मध्य प्रदेश की जनता के कोर्ट में है और ये 4 जून को फैसला होगा कि किसके हाथ में सत्ता जाती है, क्योंकि अभी तो फिलहाल कुछ भी प्रेडिक्शन करना मुश्किल है जैसा सत्य प्रकाश जी भी कह रहे हैं। बहुत शुक्रिया आप सभी का चर्चा में शामिल होने के लिए। मेरे पास इतना ही वक्त था, किसी को कम टाइम मिला हो तो मैं माफी चाहूंगी। कल फिर होगी मुलाकात दिन दहाड़े में एक नए मुद्दे के साथ। आप देखते रहिए जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़।